धोखा कहीं भी हो सकता है। उन भाई साहब को एक ऐसी गाड़ी भेज दी गई थी, तो ये पॉइंट्स पकड़ने के लिए आपके काफ़ी हैं। उस गाड़ी को छोड़ दीजिए, इसका मतलब कि वो पार्ट खोला गया था। आप डिलीवरी लेते समय कई बार एक्साइटेड हो जाते हैं। जब उन्होंने डिलीवरी लेते समय उनकी गाड़ी चेंज थी, ठीक मिलती, हमने देखा अपने सामने कंपनी में वारंटी में चेंज हो रही होती है। फॉर्म 22 पे आपको चेक करना है, डीलरशिप आपको डिस्काउंट देता है, सीधी सी बात है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। वो ड्रेन कर दिया जाता है कंपनी में जब इस इंजन को यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि गाड़ियाँ कई बार आपस में टकराती हैं। आपको वो रोबोटिक सीलेंट्स की लाइनिंग चेक करनी है। ये होगा 50% कट करते हैं लोग रबर पार्ट्स पे। स्मार्ट हाइब्रिड कंपनी ने बंद कर दिया, हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हमने अभी तक कोई पेमेंट ट्रांसफर नहीं की सिवाय बुकिंग के। हेलो फ्रेंड्स, कार आप यूज लेते हैं या फिर ब्रांड न्यू, धोखा कहीं भी हो सकता है। गाड़ी लेने से पहले आपको जैसे यूज्ड कार चेक करनी है, वैसे ही आपको ब्रांड न्यू कार भी चेक करनी है। एक चैनल है यूट्यूब का क्वेश्चन मार्क, चैनल क्यों बता रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा। उन भाई साहब को एक ऐसी गाड़ी भेज दी गई थी जिसके अंदर कई सारे फॉल्ट थे, 20 से ज़्यादा फॉल्ट थे। गाड़ी एक्सीडेंटल भी थी, गाड़ी रिपेंट भी थी, गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल सारे फॉल्ट थे। फाइनली वो गाड़ी उनको इतनी बड़ी मुसीबत दे गई, उनके ऊपर केस हो गए, उन्होंने कंपनी पे केस कर दिए, कंपनी मानने को तैयार नहीं थी। पूरा एक साल मुकदमा लड़के तब जाके वो कंपनी से जीत पाए, लेकिन उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ी, उनके पास इतनी हिम्मत थी जो कंपनी से लड़ ली है। अदरवाइज़ गाड़ी एक बार शोरूम से निकली, शोरूम से क्या निकली, आपने पेपर सबमिट किए, गाड़ी आपके नाम रजिस्टर हो गई, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए आपको करनी होती है अपनी गाड़ी की PDI, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। मैं भी गाड़ी ले रहा हूँ, जस्ट अभी मैं PDI करने जा रहा हूँ, मुझे लगा आपको भी ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। इंजन भी चेक करना है, बॉडी भी चेक करनी, बाकी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले जो ज़्यादातर गाड़ियों में मिलता है वो क्या मिलता है, गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं टचिंग होती है। और ये एडी है, एडी भी गाड़ी लेने आया है। एडी हेलो बोल दो। एडी को अगर नहीं देखा तो ये 8 साल का ऑटिस्टिक चाइल्ड है, मेरा बेटा है, और इसका एक चैनल है एडीज़ वर्ल्ड, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो देख लीजिएगा। चलो मैं आपको PDI बताता हूँ। मेन जो चीज़ आती है वो आती है आपके पेंट की प्रॉब्लम। कई बार गाड़ी ट्रैवल करती है स्टॉक यार्ड से यहाँ तक आने में, या फिर यहाँ से आगे कहीं ट्रैवल करने में, और कई बार तो प्लांट के अंदर भी माइनर स्क्रैच आ जाते हैं, या कई बार डेंट भी आते हैं, तो उसको रिपेयर करके वैसे ही दे दिया जाता है, तो आपको वो चेक करना। अब पेंट चेक करने के लिए आपको अपनी गाड़ी को निकालना होता है बाहर सनलाइट में, और मेरी गाड़ी अभी गंदी है क्योंकि मैंने इनको बोला था कि स्टॉक यार्ड से जैसे आएगी गाड़ी वैसे ही आप मुझे बुलाओगे और वैसे ही दिखाओगे। और मैंने इससे पहले जब गाड़ी मेरी अनलोड हुई थी उस समय भी मैंने इनको बोला था कि आप स्टॉक यार्ड में मुझे चेक कराओगे, मैंने क्या क्या पॉइंट किए थे वो भी आपको बताऊँगा। तो आपको जो पेंट चेक करना है, ये गाड़ी गंदी है शायद समझ में ना आए, पेंट के थोड़ा सा इस तरफ से आप बैठिए, आपको जितनी भी परछाई दिख रही होंगी पेंट के ऊपर उनका रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन में हल्का सा भी आपको डल दिख जाएगा, समझ लीजिए वो रीपेंटेड है। और रीपेंट पहचानना एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, हो सके तो किसी अपने ऐसे जानने वाले को ले जाइए जो पेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो। एक एक पीस चेक कर लीजिए, और एक आसान तरीका बता देता हूँ आपको पेंट चेक करने का। अगर किसी एक पार्ट पे आपको डाउट है, फॉर एग्जांपल आपको इस पे डाउट है कि अगर मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे कुछ टचिंग होगी, डोर खोलिए, इसके पीछे का एरिया चेक कीजिए, ये एरिया, ये स्मूथनेस आपको यहाँ नहीं मिलेगी अगर पेंट हुआ होगा तो, क्योंकि जो भी टचिंग वगैरह होती है इस पे ऊपर तो फिनिशिंग की जाती है, लेकिन इन चीज़ों को लोग भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर इसको करना टिपिकल होता है, ऊपर से दिखता नहीं है। तो ये पॉइंट्स पकड़ने के लिए आपके काफ़ी हैं, आप यहाँ पर हाथ लगा के फील कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। ये जो प्लास्टिक पार्ट दिख रहे हैं, इन प्लास्टिक पार्ट के नीचे से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी स्प्रे के निशान दिख रहे हैं, कहीं पे भी स्प्रे के छींटे, समझ लीजिए गाड़ी में पेंट का काम हुआ है, उस गाड़ी को छोड़ दीजिए। जैसे ये रबर का पार्ट है, इसको हल्का सा उठा के देख लीजिए, इसके कॉर्नर देख लीजिए, इन कॉर्नर्स पे आपको पेंट इजीली देखने को मिल जाएगा, चेक करने को मिल जाएगा कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। पूरी गाड़ी का इंस्पेक्शन कर लीजिए, इवन बूट का, लाइट पे कोई स्क्रैच तो नहीं है, कोई मोनोग्राम हटा हुआ तो नहीं है, और कोई पार्ट के फिटमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिटमेंट में प्रॉब्लम हो, इसका मतलब कि वो पार्ट खोला गया था, ठीक है, ये भी चेक कर लिया। छत भी चेक कर लीजिए। अब इसके बाद आपको सेकंड पॉइंट बताता हूँ, आपके कार का इंजन नंबर। आप डिलीवरी लेते समय कई बार एक्साइटेड हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि शोरूम के अंदर कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपने जिस गाड़ी की PDI की, जाते समय आपको वही गाड़ी मिल रही है कि नहीं, ये इंजन नंबर नोट करके रखिए। VIN नंबर होता है, और मैंने ये VIN नंबर जब मेरी गाड़ी आई थी यहाँ पहुँची थी तभी VIN नंबर ले लिया था, मैंने फ़ोटो लेके रखा था, मैच किया मैंने, ये जब स्टॉक यार्ड में गाड़ी आई थी तब मैंने ले लिया था। अब मैं श्योर हो गया कि ये वही गाड़ी है, और वो क्वेश्चन मार्क वाले भाई साहब के साथ यही हुआ था। उन्होंने जो गाड़ी की PDI की, उन्होंने पूरी तरह से गाड़ी की PDI की, PDI करने के बाद जब उन्होंने डिलीवरी ली, डिलीवरी लेते समय उनकी गाड़ी चेंज थी, उसका VIN नंबर चेंज था, उसका इंजन नंबर चेंज था। दोबारा बोल रहा हूँ,
पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जब आप एंटर करोगे कार के अंदर, मेरी गाड़ी की अभी वॉशिंग नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने स्ट्रिक्टली इनको बोला था कि जब मैं आऊँगा उसके बाद ही आप कुछ करना, ठीक है जी। और हमको ये रहता है कि साहब गाड़ी की डिलीवरी जल्दी मिल जाए, इसलिए हम लोग करते हैं आप रेडी करके रखो, बस हम आएंगे। इवन कई लोग तो पेमेंट भी पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं। पेमेंट मैंने अभी कोई ट्रांसफ़र नहीं की है, पेमेंट जब ट्रांसफ़र करूँगा, जब पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाऊँगा तब। आपको इग्निशन लगाना है, ओडोमीटर चेक करना है, ओडोमीटर में कितनी रीडिंग है अभी 11 किलोमीटर, चेंज करके भी देख लीजिए, एवरेज 6.4, रेंज कुछ नहीं, 11 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है, लगभग 50 किलोमीटर तक चली है तब तक माना जा सकता है, लेकिन 50 किलोमीटर भी नई गाड़ी नहीं चलती है, तो ये 10 किलोमीटर से ऊपर सिर्फ 11 किलोमीटर चली है, इतना ही होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आपको स्क्रैच चेक कर लेने, कहीं स्क्रैच तो नहीं है, ये चीज़ें कोई भी जानता है, हर कोई जानता है, तो आप वो अपने आप चेक कर लीजिएगा। मैं जाऊँगा डीप वाले पॉइंट्स पे, जो पॉइंट्स आपको कोई नहीं देता, चाबी, आप इस की को भी चेक करना, की कई बार अटक रही होती है, लॉक प्रॉब्लम कर रहा होता है, इसमें नहीं लटक रही है। दूसरी जो की है ये देखो इस तरह से सील्ड है, ठीक है। अब इसके बाद मैं सीधे इंजन पे ले चलता हूँ, इंजन पे भी देखने की चीज़ें होती हैं। अब देखिए गाड़ी का इंजन बे, आपको इंजन बे चेक करना होता है, कई बार गाड़ी के अंदर टेस्टिंग करते हुए कुछ प्रॉब्लम मिलती हैं, उन प्रॉब्लम को छोटी मोटी होती तो वो रेक्टिफाई किया जाता है, रेक्टिफाई करके आपको डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन अगर गाड़ी में कुछ मेजर प्रॉब्लम है और उसको कुछ रेक्टिफाई किया गया तो उसके साइंस आपको पता लग सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इंजन बे बिल्कुल ध्यान से चेक करना है। आप देख रहे होगे जगह जगह पे आपको ये ब्लू मार्किंग दिख रही होगी, ठीक है। आप देखिए ये जो आपके कनेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, जब कंपनी में फिट होते हैं उसके बाद इन पे मार्क कर दिया जाता है। जैसे ये होस पाइप होगा, इस कंपनी से इसे मार्क कर दिया गया है, पहले ब्लू था फिर रेड किया गया है। अगर कभी ये खोला जाएगा तो इसका अलाइनमेंट आउट होगा, इट मीन्स कि कुछ तो इसके बाद टेस्टिंग में प्रॉब्लम था, वो काम हुआ है। अभी आप मास्टर सिलेंडर देखो, जब ये कनेक्टर लगाया गया, लगाते समय यहाँ एक मार्किंग की जाती है, ये मार्किंग कर दी गई, ये सीधी है, इट मींस कि नहीं हटाया गया। सेम इसी तरह एसी यूनिट, ई वेपोरेटर कॉइल, इसके पास भी कई बार ऐसा रहता है कि ई वेपोरेटर कॉइल लीक मिलती है, हमने देखा है अपने सामने कंपनी में, वारंटी में चेंज हो रही होती है, लेकिन अगर लगने के बाद कुछ लीकेज मिलती है, वो मिलता है, तो फिर ये काम मैनुअली होते हैं, अदरवाइज ये सारे काम जो हैं रोबोटिक होते हैं, पूरे लाइन पे होते हैं। आप देखोगे ई वेपोरेटर कॉइल पे ऐसा निशान दिख रहा है और यहाँ पे कोई भी ऐसे खुलने के मार्क्स नहीं है। इसी तरह से बैटरी आपको चेक करनी है, बैटरी नंबर भी आपके पेपर पे मेंशन रहता है। एक होता है आपको मैन्युफैक्चर से मिलने वाला फॉर्म 22 होगा ना सर, हाँ फॉर्म 22 पे आपको चेक करना है गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है। अगर वो गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई है उसी जिस समय आप डिलीवरी ले रहे हो उससे करीब 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले तक चल जाता है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा है तो फिर आप उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा टाइम की बनी हुई गाड़ियाँ होती हैं उस पर डीलरशिप आपको डिस्काउंट देता है, सीधी सी बात है। अब इसके बाद देखिए मेन काम, आपका इंजन आपकी गाड़ी की जान है, और आप सारे स्क्रैच सारी चीज़ें चेक कर लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक स्क्रैच एक्स्ट्रा भी होगा तो नहीं फ़र्क पड़ता ना, लेकिन अगर आपके इंजन में कोई ऐसा फॉल्ट आया और आपको सर्विस सेंटर पर आधी ज़िंदगी बितानी पड़ रही है, सोचिए कैसा लगेगा, आपको लगेगा कि मैं इस गाड़ी को क्यों ले बैठा। पहले इंजन चेक करना है, इंजन के अंदर जो इंजन ऑयल डाला जाता है उसका कलर चेंज हो जाता है इंजन के चलने के बाद, ये आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। जितना इंजन चलेगा, सपोज़ हमको आइडिया है कि साहब ये 20 किलोमीटर चला हुआ इंजन है, ये 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, डिपेंड करता है डीजल और पेट्रोल दोनों पे। डीजल इंजन का कलर जल्दी चेंज होता है, पेट्रोल इंजन का थोड़ा सा लेट होता है। पेट्रोल इंजन है ये 1.5 लीटर डिपस्टिक यहाँ पे आपको मिलेगी, जिससे इंजन ऑयल का लेवल चेक करते हैं। आप इसको एक बार बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकालने के बाद आप इसका कलर देखो, आपका कलर बिल्कुल ब्राइट है, लाइट है, और ये अगर डार्क होने लग रहा है कलर, तो आप ये समझ सकते हो कि ये गाड़ी का ओडोमीटर भले ही कितना दिखा रहा हो लेकिन ये इंजन ज़्यादा चला हुआ है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि ओडोमीटर कुछ दिखा रहा है, इंजन कुछ दिखा रहा है, ये तो 2 मिनट का काम होता है। अभी मैं इस गाड़ी का कर दूंगा सिस्टम, ओडोमीटर नहीं चलेगा, गाड़ी आप चाहो 50,000 किलोमीटर चला लो, ठीक है। तो ओडोमीटर इंजन के साथ मैच हो रहा है, इंजन वही है, इंजन का जो इंजन ऑयल है उसका कलर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इट मीन्स कि ये 11 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। और ऐसा नहीं कि ये इंजन ऑयल ये फर्स्ट इंजन ऑयल है, नहीं, फर्स्ट इंजन ऑयल आपको नहीं मिलता, वो ड्रेन कर दिया जाता है कंपनी में जब इस इंजन को यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि इंजन आपको देने से पहले टेस्टिंग पे चलता है, जिसको पुराने लोग समझ रहे होंगे रवा पे चलता है, वो लोग इंजन रवा किया करते थे, वो अब कंपनी करके देती है, वो करने के बाद इंजन ऑयल ड्रेन होता है, फिर नया इंजन ऑयल डाल के आपको गाड़ी दी जाती है। अब वो इंजन ऑयल उतना ही चला होना चाहिए जितने की गाड़ी का ओडोमीटर है। बाकी कूलेंट यहाँ पे पड़ता है, कूलेंट का कलर सेम हर गाड़ी में बराबर होना चाहिए, अगर इसमें ग्रीन पड़ा है तो आपको ग्रीन ही दिखेगा, देखो जी ग्रीन है, ओके है, क्योंकि कूलेंट जो कंपनी से डल के आता है और जो बाहर आता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कई बार
अलग कलर का कूलेंट मिक्स कर देते हैं, अगर जैसे नहीं है, कम है, कई बार पानी मिक्स कर देंगे या फिर अलग कलर का, उससे क्या होगा आपका कलर चेंज हो जाएगा। आपको देखना है कि डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, बिल्कुल आपको पता चल रहा है। ये देखो निकाल के देख लिया, वायरिंग के कनेक्टर आपको बता दिए, आपको इंजन बता दिया, माउंटिंग्स एंड सीलेंट्स ये भी बता देता हूँ। देखिए जी, टेस्टिंग के दौरान गाड़ियाँ कई बार आपस में टकराती हैं, और ऐसा नहीं कि कंपनी उनको क्रैश कर देती है, डिपेंड करता है कि कितनी टकराई हैं, कितनी नहीं हुई हैं। आपको ये जो रोबोटिक सीलेंट दिख रहा है, रोबोटिक सीलेंट सिर्फ एक बार लग सकता है जब वो गाड़ी लाइन पे है, लाइन से गाड़ी उतर गई उसके बाद खुद कंपनी भी अगर चाहे कि इस गाड़ी पे सीलेंट लगा ले वो नहीं लगा सकती, आपको वो रोबोटिक सीलेंट की लाइनिंग चेक करनी है। ये जो सीलेंट है ये एक बार जो लगा हुआ है आपको लेयर दिख रही होगी, लेयर पतली लेयर है, आपको ये एंड पे दिखाता हूँ। देखो जहाँ पे एंड हुआ है ये वाला पॉइंट, ये दिख रहा है एक साथ लगा हुआ है। सीलेंट के ऊपर पेंट की कोटिंग है, देख रहे हो आप, एक कोटिंग इसके ऊपर है, सेम मैच कर रहा है। लेकिन एक चीज और है, कुछ कंपनीज में ये पेंट की कोटिंग ऊपर नहीं होती है, अलग से भी रहता है, कलर अलग रहता है, लेकिन ये लेयर वाला आपको नहीं मिलेगा। आपने बाहर देखा होगा अगर सीलेंट की ट्यूब, तो देखेंगे ट्यूब में से पतला सा वो निकलता है, और उस पतले से इस टाइप का ये बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये लेयर टाइप सीलेंट लगा हुआ है पूरा। आपके टायर्स कितने चले हुए हैं, टायर आपको चेक करके पता चल जाते हैं, लेकिन ये 10-50 किलोमीटर में आपको इतना पता नहीं चलेगा। तो टायर सिर्फ इतना देख लीजिए, कोई कट वगैरह तो नहीं है, अदरवाइज आप बाद में जाते हैं ना, आपको लगेगा वारंटी में होंगे, ये होगा, 50% कट करते हैं लोग रबर पार्ट्स पे। टायर चेक कर लीजिए, किसी में कोई कट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद एक चीज़ आती है, आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कैसा काम कर रहे हैं। जितने भी गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए गाड़ी के अंदर ECM, BCM, एयरबैग मॉड्यूल, इस तरह के 3-4 मॉड्यूल्स होते हैं, सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तभी पता चलेगा। एक बार स्टार्ट करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। गाड़ी के अंदर आ गया, अब इंजन को स्टार्ट करूँगा, पहले गियर न्यूट्रल, ठीक है जी, न्यूट्रल पे आ गया। एडी बैठना नहीं बेटा, एडी आ गया स्टार्ट होता देख के। फर्स्ट टाइम जब भी आप इंजन स्टार्ट करते हो, गाड़ी ठंडी है, आपके ये गाड़ी के जो RPM है लगभग आधा मिनट या एक मिनट तक 1000 से ऊपर रहेंगे, और उसके बाद ये RPM अपने आप डाउन आने चाहिए। और अगर गाड़ी ठंडी है तो, चल के नहीं आई है तो, अब आपको क्या देखना होता है, गाड़ी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं इनको एक बार ऑन कर लीजिए, चेक कर लीजिए। जैसे AC है, AC ऑन हो गया। और एक चीज़ और कर सकते हैं आप, हो सके तो आपके जो सेल्स वाले पर्सन हैं उनको बोल सकते हैं कौन कौन सी चीज़ों का क्या काम है, एक बार मुझे समझा दीजिए, हर बटन का यूज़ क्या है वो समझा दीजिए। जब आपको वो समझा रहे होंगे तो आप वो बटन भी चेक कर पाओगे, और साथ में आपको एक डेमो भी मिल जाएगा वहाँ पर। हैजार्ड लैंप काम कर रहा है, स्टेयरिंग में कुछ ऐसा नहीं है, बाकी ये सब मोड वर्किंग में है। और इसके बाद आप अपनी गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव लो, वॉशिंग से पहले टेस्ट ड्राइव लेके आप चेक करो गाड़ी के अंदर कोई ऐसी आवाज़, कोई ऐसी अनवांटेड नॉइज़ तो नहीं है। और एक ख़ास बात आपको चेक करना होता है, आपने जो गाड़ी का वेरिएंट बुक किया है आपको वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे कि सेम एग्जांपल मेरा केस, अभी मैंने जो मारुति ब्रेजा बुक की थी, ये बुक की थी मैंने स्मार्ट हाइब्रिड, अब पता चल रहा है कि आज ही स्मार्ट हाइब्रिड कंपनी ने बंद कर दिया, हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कंपनी ने बंद कर दिया, इसके पीछे आप देखोगे बैजिंग भी नहीं है। और ये अभी का मतलब डिसीजन है कंपनी का स्मार्ट हाइब्रिड बंद करने का, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब मैंने जो वेरिएंट बुक किया था मुझे वो मिलना चाहिए, अदरवाइज नहीं मिलेगा तो वो फिर हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है। हमने अभी तक कोई पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं की सिवाय बुकिंग के, बुकिंग का जो अमाउंट है आपका रिटर्न हो सकता है। जब तक आपने फॉर्म 34 जो कि RTO से मिलता है, देखिए RTO से दो फॉर्म होते हैं, 34 मिलता है HP चढ़ाने के लिए, आपकी गाड़ी फाइनेंस चढ़ने के लिए, और जब आप फाइनेंस क्लियर कर लेते हो उसके बाद मिलता है आपको फॉर्म 35, वो बैंक से मिलता है, फिर आप RTO में जमा करते हो तो फिर वो फाइनेंस वहाँ से हट जाता है। तो फॉर्म 34 और बैंक का सेंक्शन लेटर, ये दो चीज़ें आपने नहीं दी हैं तब तक आपकी गाड़ी आपके रजिस्टर नहीं हुई है, आपके भी जो पैसे हैं वो आपके ही पॉकेट में। इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से अपने पैसे बचा पाएंगे, अपने मेहनत की कमाई सही जगह लगा पाएंगे, आप किसी धोखे में नहीं फंसेंगे, बस इसलिए ये वीडियो बनाई थी। फिलहाल मेरी ये गाड़ी की डिलीवरी हो रही है, होता है कैसा रहता है वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मन में कोई भी सवाल कोई भी सुझाव हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आ जाओ वापस आ जाओ, हो गया अपना काम, चलो।